परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का पावन जीवन चरित्र। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। मित्रों श्री हित प्रेमानंद गोविंद सरन जी महाराज का पावन चरित्र। प्रारंभिक बचपन एक अव्यक्त आध्यात्मिक पूज्य महाराज जी एक मामूली और अत्यंत पवित्र साध्विक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अकरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादाजी एक सन्यासी थे और समग्र घरेलू वातावरण गहरा भक्तिपूर्ण अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में सन्यास को स्वीकार किया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम से श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आवा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और समझता था। पवित्र घरेलू वातावरण ने उसके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाएं पाठ करना शुरू कर दिया। जब वे पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस कम उम्र में वे जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। वे इस विचार से चले कि क्या माता पिता का प्यार चिरस्थायी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस खुशी में क्यों उलझना है जो अस्थायी है। उन्होंने स्कूल में अध्ययन के महत्व और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने पर सवाल उठाया और यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करेगा। जवाब मांगने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप शुरू किया। जब वे नवी कक्षा में थे, तब तक उन्होंने दृढ़ता से भगवान की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया था। वह इस नेक मकसद के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय की जानकारी दी। 13 साल की छोटी उम्र में सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ब्रह्मचारी और संन्यास दीक्षा के रूप में महाराज जी का जीवन। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आरंभ किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम दिया गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन जिया। इस समय के दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है केवल स्वीकार करना, जो बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के ईश्वर की दया से प्रदान किया जाता है। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी किसी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वे भूख कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा 80 घाट और हरिद्वार और वाराणसी के बीच घाटों पर घूमते थे। कठोर सर्दियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं रोका। वे दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वे हर 6 ब्रह्मकाय वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के बाद उन्हें भगवान शिव द्वारा विधिवत आशीर्वाद दिया गया। भक्ति के पहले बीज और वृंदावन आ रहे हैं। महाराज जी निसंदेह ज्ञान और दया के प्रति भगवान शिव द्वारा धन्य थे। हालांकि उन्होंने उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम के सरासर अनुग्रह द्वारा उन्हें वृंदावन की महिमा के लिए आकर्षित किया गया था। बाद में एक संत की एक प्रेरणा ने उन्हें
एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया जो स्वामी श्री श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने एक महीने के लिए रासलीला में भाग लिया। सुबह में वह श्री चैतन्य महाप्रभु के अतीत और रात को श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। एक महीने में ही वह इतना लुभावना हो गए और इन लीलाओं को देखकर हर्षित हो गए कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। यह एक महीना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुए। ना कि तब पता चला कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। सन्यासी से राधावल्लभ संत का तक का परिवर्तन। श्री हिट प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। महाराज जी प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी ने पूरी तरह से एक सखी द्वारा वशीकरण गा रहे थे। श्री प्रिया बंदन छी चंद्र मनो प्रियतम नैनन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर। महाराज जी ने संन्यास के नियमों को एक तरफ करते हुए सखी से बात की और उन्हें गाए गए श्लोक को समझाने का अनुरोध किया। वह मुस्कुराई और उनसे कहा कि यदि वह इस कविता को समझना चाहती है तो उसे राधावल्लभ बनना चाहिए। महाराज जी ने तुरंत दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार यह सिद्ध किया कि गोस्वामी परिकर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधावल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव से मिले जो सचरी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक थे। पूज्य श्री हित गौरी शरण जी महाराज जिन्होंने उन्हें सचरी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षा दी। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सदगुरुदेव की घनिष्ठ सेवा में रहे और बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा की। उन्हें जो भी कार्य दिया वे अत्यंत विनम्रता के साथ किया। अपने सदगुरुदेव के अनुग्रह और श्री वृंदावन धाम की कृपा से जल्द ही वे पूरी तरह से श्री राधा जी के चरण कमलों में अगाध श्रद्धा विकसित करते हुए सचरी भाव में लीन हो गए। अपने सदगुरुदेव के चरणों में चलकर महाराज जी वृंदावन में मधुकरी द्वारा रहते थे। उनका ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि ब्रजवासी का अनाज खाए बिना वे प्यार का अनुभव नहीं किया सकता है। उनके सदगुरुदेव भगवान और श्री वृंदावन धाम की आनंद कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट है। जय जय श्री राधे। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।